पूनम सुश्री 24 में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम बनाने जा रहे हैं यूपी बिहार का फेमस चोखा, सुरन का चोखा यानी ओल का चोखा। हमारे बिहार में से ओल बोलते हैं और यूपी में या फिर और भी बाहर जगहों पे इसे सुरन बोलते हैं, जिमीकंद बोलते हैं। तो इसका चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आज हम इसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओल का चोखा बनाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी लगा हुआ रहता है थोड़ा बहुत। इसमें देखिए अच्छे से इसे धो लेंगे। और ये हमारा ओल 500 ग्राम है, तो चलिए इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। तो ये देखिए हम पानी ले लिए हैं, नॉर्मल पानी में ही हमें धोना है। और इसे अच्छे से रगड़ के अच्छे से धो लेंगे ताकि बढ़िया से मिट्टी निकल जाए। तो देखिए हम बहुत ही बढ़िया से अच्छे से हम ओल को धो लिए हैं, अच्छे से मिट्टी निकल गया है दोनों में से। और अब हम क्या करेंगे कि एक कुकर लेंगे, कुकर में 3 गिलास पानी हम ले लिए हैं। आप चाहे तो ऐसे पतीले में भी इसे उबाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो हम कुकर में देखिए साफ पानी में डाल दिए हैं, 3 गिलास पानी डाल दिए हैं। और अब हम इसको 2 से 3 सीटी देने के बाद में इसे हम गैस ऑफ कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा है तो इस तरह से 2 पीस कर दीजिए। तो देखिए बड़ा वाला पीस में हम 2 पीस कर दिए हैं, ये तो छोटा है ही। और अब हम इसे 2 से 3 सीटी रगने देते हैं। ओल में हम 3 सीटी डाल दिए हैं और ये देखिए बढ़िया से ओल हमारा बॉयल हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे अच्छे से छीलेंगे। 3 सीटी में मेरा बहुत बढ़िया से ओल बॉयल हो गया है, उबल गया है बहुत बढ़िया से। और देखिए अच्छे से ठंडा भी हो गया है। अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। बहुत इजी हमें इसका छिलका उतर जाएगा ठंडा होने के बाद में। इस तरह से इन सभी का भी हम छिलका उतार लेते हैं। तो छिलका हम अच्छे से उतार लिए हैं बहुत बढ़िया से। अब हम इसे हाथों से मैश करेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन आप देसी तरीके से बनाइए, बहुत ही बढ़िया से बनता है। तो हम बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं, जैसे हमारे मम्मी लोग बनाई हैं उस तरीके से बना रहे हैं। तो इसे हाथ से आप मैश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से, बिल्कुल इसमें गुठली उठली नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल बढ़िया से हो रहा है। तो हम कहेंगे कि आप इसे हाथों से ही मैश कीजिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ओल मैश हो गया है। अब हम एक बड़ा कटोरा लेंगे, मिक्सिंग बाउल, इसमें हम ये सारे ओल को निकाल देंगे। अब हम इसे सारे ओल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें डालने के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या क्या लिए हैं। तो हम यहाँ पे लिए हैं अजवाइन, कलौंजी यानी मंगरेला, और देखिए यहाँ पे ग्रेट किया हुआ यानी कि हम इसे चॉप्ड कर दिए हैं, काट दिए हैं चाकू से महीन महीन, लहसुन है जो कि बहुत ही ज़्यादा है यानी कि 20 से 25 कली है। आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिए हैं 5 पीस नींबू, इसका रस हम इसमें डालेंगे। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, इसका कोई क्वांटिटी नहीं है। खट्टा इसमें आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम हरा मिर्च लिए हैं, इसे भी हम काट लिए हैं महीन महीन, ये भी 20 से 25 है। तो इसमें ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा, ये जितना पुराना होगा उतना ये और टेस्टी बनते जाएगा। तो चलिए हम इसे इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे सबसे पहले लहसुन। जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो स्किप कर दें, लहसुन नहीं डालेंगे। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, ये 1 चम्मच के करीब अजवाइन है, तो इसे हम थोड़ा क्रश कर लेंगे हाथों पे, इस तरह से रगड़ के डालेंगे। ये मंगरेला, आप इस तरह से बनाइएगा ओल का चोखा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। हम ये बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं जैसे हमारे घरों में बनता है। अब हम यहाँ पे डालेंगे नींबू का रस, इसका बीज निकाल के नींबू का रस इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेल,
नींबू का रस हम अच्छे से डाल दिए हैं निचोड़ निचोड़ के, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और कोई तेल इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें सरसों का तेल यूज़ करना है। और सरसों का तेल अच्छे से इसमें आधा कटोरी के लगभग, आधा कटोरी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसे धूप में दिखाएंगे और तेल इसमें अच्छा से रहेगा, तो क्योंकि ओल का नेचर है काटने का, तो इसमें तेल और नींबू का रस दोनों रहेगा तो ये काटेगा नहीं। देखिए इसमें लीम और तेल डालेंगे, धूप में रखने पे थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा। एक दो धूप में रख देने से चोखा हमारा खराब नहीं होता है। ये जितना तेल हम अभी डाले हैं तो अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन जब धूप में डालेंगे ना तो सारा तेल ऊपर आ जाएगा। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक एक बार टेस्ट भी आप कर लीजिएगा, कम लगेगा तो फिर और डाल देंगे। देखिए नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही यम्मी चोखा हमारा बनके तैयार हुआ है, और बिल्कुल कम दो तीन इंग्रेडिएंट्स में बना है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगा है, जो कि हमें बाजार से खरीद के लाना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। सभी चीज़ ऐसा है जिसे आमतौर पर सभी के घरों में मिल जाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारी रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।